कराबी में हमें कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, कराबी में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम और पैसा बर्बाद ना हो, और कराबी में क्या क्या बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है। तो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स टू डू इन कराबी, टॉप 10 थिंग्स टू डू इन कराबी, बेस्ट थिंग्स टू डू इन कराबी, 25 थिंग्स टू डू इन कराबी, या फिर कराबी आइटनररी, या जो आप कुछ भी कह सकते हो कि कराबी में क्या करना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, जो भी है, इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप सस्ते वे में कराबी या थाईलैंड या बैंकॉक कैसे पहुँच सकते हो, कैसे चीप तरीका, मतलब सस्ती फ्लाइट, सस्ता होटल, और कराबी एयरपोर्ट से कराबी टाउन या आवनांग बीच तक कैसे पहुँच सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। तो यार, अब मैं बात कर लेता हूँ कि कराबी में आप क्या कर सकते हो, अपनी कराबी की ट्रिप को कैसे मेमोरेबल बना सकते हो, कैसे मतलब हमेशा आपको याद रहे, मज़ा आए काफ़ी ज़्यादा, तो कैसे बना सकते हो। वैसे कराबी की जो पूरी ट्रिप है, इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हो, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, या चार दिन के लिए। वैसे तीन दिन सफिशियंट हैं, दो दिन थोड़े से कम पड़ जाते हैं पूरे कराबी को और हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो तीन रात तो कम से कम होनी चाहिए, तीन रात होनी चाहिए और चार दिन होने चाहिए, तब आप सही से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, मान लो आप पहले दिन जब कराबी पहुँचे हो, शाम को पहुँचे हो, या दिन में जब भी पहुँचे हो, आप पहले दिन तो कुछ भी करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप थके हुए पहुँचोगे तो कोई करने का मतलब नहीं है। तो पहले दिन आप क्या करो, कराबी को एक्सप्लोर करो। आवनांग रुके हो तो आवनांग को एक्सप्लोर करो, रैले रुके हो तो रैले को, कराबी टाउन रुके हो तो कराबी टाउन को, या जहाँ भी रुके हो उस जगह को एक्सप्लोर करो। आसपास देखो क्या है, नाइट में क्या होता है, फूड क्या है, जो भी कुछ है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर आवनांग रुके हो तो वहाँ पर इतना कुछ है कि आप पहला दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप आवनांग बीच घूमने जा सकते हो शाम को, ठीक है, शाम को आवनांग बीच घूमो, वहाँ रिलैक्स करो, देखो आवनांग बीच को भी घूमो। समुद्र पे बीच देखने का शौक है, समुद्र घूमने का शौक है, तो आप आवनांग बीच घूमो, उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करो, और फिर नेक्स्ट डे जाओ कहीं भी, जहाँ भी टूर पर जाना है आपको वहाँ पर। टूर इंडिया से बुक करके मत जाना, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, वहीं जाके बुक करना। जब आप कराबी टाउन को या कराबी आवनांग बीच को जब एक्सप्लोर कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल टूर प्रोवाइडर दिख जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर जाके बार्गेनिंग करना, रेट ले लेना, आपको जहाँ अच्छा रेट मिल जाए वहाँ से बुक करके आप जा सकते हो। नेक्स्ट डे जाओ फोर आइलैंड टूर पर। लेकिन अगर आप फोर आइलैंड टूर पर नहीं जाना चाह रहे हो, कोई एक ही आइलैंड जाना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे बेस्ट है फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड इंडिया में लोग ज़्यादातर फुकेस से जाते हैं, लेकिन वो कराबी से ज़्यादा पास पड़ता है फीफी आइलैंड। मैं आपको बता दूँ, कराबी से थोड़ा सा पास पड़ता है, तो कराबी से भी बहुत सारे टूर जाते हैं फीफी आइलैंड, तो आप कराबी से भी फीफी आइलैंड जा सकते हो, अगर आपका फुकेट जाने का प्लान नहीं है तो। ठीक है, तो फोर आइलैंड या फीफी आइलैंड में से एक टूर ले लो। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फोर आइलैंड टूर के बारे में। यार, ये इतना मस्त टूर है कि आपका पूरा दिन कब कैसे निकल जाएगा, आपको कितने मज़े आने वाले हैं, आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप फैमिली के साथ गए हो तब भी बहुत मज़ा आएगा, और कपल हो तब भी बहुत मज़ा आएगा, और सोलो ट्रैवलर हो, और खासकर आप जब सोलो ट्रैवलर हो और हॉस्टल में रुके हो, तो वहाँ पे जो भी आपको आसपास आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं हॉस्टल में जाके, जो भी लोग वगैरह मिलते हैं, उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि आप बहुत अच्छे से मज़े से फोर आइलैंड टूर का बहुत तगड़ा मज़ा ले सकते हो। सुबह स्टार्ट करते हैं हॉस्टल में, 11 बजे स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाकी होटल वगैरह में अगर वैसे लोकल प्रोवाइडर वगैरह से अगर किसी से बुक करोगे, तो तकरीबन 7:30-8:30 बजे वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं, वो उतनी जल्दी ला के रख देते हैं। अगर आप हॉस्टल से करोगे तो 11 बजे, फिर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसमें चार आइलैंड को कवर करते हैं। आप जहाँ पर भी रुके हो, होटल रुके हो, हॉस्टल रुके हो, कहीं पर भी रुके हो, वो जो भी है गाड़ी वहाँ लेने आएगी, वहाँ से आपको जहाँ से बोट में बैठना है वहाँ ले जाएगी, और बोट में बैठ के आप सारे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हो। तो जो मेरा टूर स्टार्ट हुआ था फोर आइलैंड टूर, वो स्टार्ट हुआ था कोपोड़ा आइलैंड से। ठीक है, हम बैठे बोट में, 11 बजे हॉस्टल से निकले थे, फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ से क्या कहते हैं बोट में बैठ के कोपोड़ा आइलैंड पहुँचे। कोपोड़ा आइलैंड से हमारा टूर स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है आइलैंड आपके आगे पीछे हो, वो उनकी मर्जी है कि पहले कौन से आइलैंड पर ले जाएंगे आपको। रैले बीच पर ले जा सकते हैं, इसमें चार आइलैंड कवर करते हैं, वो होते हैं पोड़ा आइलैंड, रैले बीच, प्राणांग बीच, चिकन आइलैंड, और एक ट्यूब आइलैंड है जो बीच में है, हो सकता है ट्यूब पे ले जाएं ना ले जाएं। तो ये
पांच आइलैंड में से 4 आइलैंड टूर में कोई 4 आइलैंड आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ये 5 आइलैंड मैंने आपको बता दिए, दोबारा से मैं नाम बता देता हूँ, कोड़ा आइलैंड, रैले बीच, चिकन आइलैंड, चुप आइलैंड और क्या कहते हैं प्रानांग बीच। ये 5 आइलैंड हैं, 5 में से 4 ही दिखाएंगे। 5 आइलैंड वाला लोगे टूर तो 5 आइलैंड भी दिखाएंगे, 5 आइलैंड वाला भी टूर होता है, लेकिन 4 बेस्ट होते हैं यार। 5 क्या करना, मतलब वो आस पास ही वो आपको वैसे ही दिख जाएगा, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 आइलैंड बेस्ट हैं। इसमें आप रैले बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोड़ा आइलैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मर्जी है जो मैंने आपको बता दिया। तो मान लो अगर कोड़ा आइलैंड से स्टार्ट होता है तो वो छोटा सा आइलैंड है, करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जैसे वहाँ उतरोगे मज़ा आ जाता है। मतलब एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है आपका, आसपास की हरियाली, नीला पानी, सारी चीज़ें देख दाख के आपका माइंड सेटअप भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसा मज़ा सा आ जाता है वहाँ। फिर आप जो भी आप हॉस्टल वगैरह के साथ जाते हो तो वहाँ गेम वगैरह खेलते हो, मज़े लेते हो, फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हो, स्नॉर्कलिंग करते हो, बार बार समुद्र में नहाते हो, ये करते हो, तो सारा दिन इसी में जाता है। इसके बाद फिर चिकन आइलैंड पे अपना कोई मतलब बीच नहीं है, ठीक है, वो बीच में 2 आइलैंड हैं, उनके बीच में थोड़ी सी जगह है, वहाँ उतारने के दिखाते नहीं है। तो चिकन आइलैंड सिर्फ फोटोग्राफी के लिए है, फ़ोटो खींचो, अच्छे अच्छे फ़ोटो डालो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जहाँ भी डालना है आप डाल सकते हो, उसके लिए अच्छे अच्छे सेल्फी फ़ोटो निकल जाते हैं। इसके बाद जाते हैं तुम्हारा ये प्रानांग बीच। प्रानांग बीच की बड़ी मस्त कहानी है, ये इंडिया से ही कनेक्टेड है प्रानांग बीच की कहानी। कहते हैं इंडिया की कोई राजकुमारी थी, वहाँ पे फंस गई थी और कोई उसका जो भी उससे प्यार करता था उसको वहाँ छोड़ के चला गया था। उसी के इंतज़ार में वहाँ एक गुफा में बैठी रही और वो मछुआरों से कनेक्टेड थी, मछुआरों की रानी थी, तो वहाँ पे बैठी रही, उसका वेट करती रही और वो आया नहीं और वो वहीं उसने अपनी जान दे दी। उसी गुफा में उन्होंने एक मंदिर बना दिया जिस गुफा में वो बैठ के उसका इंतज़ार करती रही थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वहाँ जाओगे और उनकी वो पूजा जो करते हैं वो भी थोड़ा अलग तरह की पूजा है। वो मैंने मेरी 4 आइलैंड टूर की वीडियो में दिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 4 आइलैंड टूर में कितना मज़ा आता है। वो मैं इधर कार्ड में दे दूँगा, आप देख लेना 4 आइलैंड टूर। आप मतलब मिस करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसे ज़रूर करो। अगर आपके पास टाइम कम है, मान लो आप 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो 4 आइलैंड टूर को हम रखते हैं साइड में। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हो और फुकेत भी नहीं जा रहे हो और ज़्यादा आइलैंड नहीं देखना चाहते, तो आप एक आइलैंड देख सकते हो, वो है फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड यार आपने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ पहले ही सुनी होगी, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के बाद काफ़ी फेमस हुआ शूटिंग के बाद, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, उसके बाद सरकार को जब लगा तो वहाँ पे टैक्स भी लगता है वहाँ पहुँचने का। लेकिन फीफी आइलैंड ऐसा है कि वहाँ पे आप एक दिन तो बिता सकते हो, तो कोशिश करना अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो एक दिन वहाँ बिता लो, नहीं तो आप जाके इंजॉय करके भी आ सकते हो। वो स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत फेमस है, वही नीला पानी, अच्छे अच्छे आसपास पहाड़, छोटे छोटे, और स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग जो करना है, मतलब आपका पूरा दिन भी उसमें काफ़ी टाइम, थोड़ा 1-1.5-2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, फिर 1-1.5-2 घंटे वहाँ से आने में भी लगते हैं, तो ये टाइम लगा के चलना और बीच में जो भी इंजॉय करोगे वो। तो फीफी आइलैंड यार अपने आप में वहाँ रात को पार्टियाँ बहुत होती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ एक दिन रुक सकते हो तो रुको, नहीं रुक सकते तो फिर दिन में ही इंजॉय करके पूरा आइलैंड को देख के, वहाँ की खूबसूरती देख के वापस आ सकते हो। और वो फेमस मेन लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी के बाद ही हुआ है। तो 4 आइलैंड हो गए, फीफी आइलैंड हो गए, अब मैं इसको अलग करके देख लूँ तो ये 5 चीज़ें होंगी, 5 थिंग्स टू डू होगी, ठीक है। ऐसे ही लोग इनको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन मैं टूर में बता दूंगा आपको कि टूर में उसको कैसे आप क्या कहते हैं एक साथ जोड़ के देख सकते हो। 4 आइलैंड एक दिन में, एक टूर में हो जाते हैं, तो वो 4 थिंग्स टू डू हो जाते हैं। चाहो और आप पर ज़्यादा दिन है तो वो 4 आइलैंड आप अलग अलग करके भी वहाँ जाके टाइम बिता सकते हो, घूम सकते हो। अब दूसरा आ जाता हूँ मैं जंगल टूर पे। जंगल टूर पे आप अगर आप बुक करते हो तो मेरे ख्याल से अगर आप स्कूटर वगैरह लेके जा, वैसे हॉस्टल से हो तो यार टूर वगैरह बुक करना ही पड़ेगा, और आप सोलो ट्रैवलर हो क्या, सिंगल अकेले जाके वहाँ क्या करोगे, मतलब कोई तो चेनो इन्जॉय करने के लिए, कुछ करने के लिए, अकेला ही बिल्कुल ही अकेला इन्जॉय करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी पकड़ो या गाड़ी पकड़ो निकल लो। वहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं घूमने की, मैं बता दूंगा अभी आपको, नहीं तो बाकी फैमिली के साथ हो तो आप पूरा टूर बुक कर लो, या फिर खुद भी गाड़ी लेके जा सकते हो, नहीं तो आप कपल्स वगैरह हो तो वो आपकी वो टूर में ही जाओ ज़्यादा बेटर है। स्कूटी वगैरह या मतलब आपको रास्ता पता नहीं है तो दिक्कतें आती है चलाने में, टाइम भी बहुत लगता है, तो बेस्ट यही रहता है यार थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, टूर बुक करके चले जाओ, पैसा उसमें इतना खास पैसा नहीं लगता।
अच्छा एमलर, अब इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। जंगल टूर स्टार्ट होता है हॉट वाटर स्प्रिंग से, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ जाएंगे जंगल के अंदर, एक काफ़ी स्प्रिंग है, कहीं से वो पानी आता है, गर्म पानी आता है, या ज्वालामुखी या कुछ भी होगा आसपास पहाड़ों में, वहाँ से अंदर से पानी आता है, वहाँ से वो पानी गर्म आता है, गर्म बहुत ज़्यादा भयंकर गर्म नहीं आता, हल्का गर्म होता है, और वो पहाड़ों पर बहते हुए आता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, और वो पानी बहते बहते नीचे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाके थोड़ा सा गंदा हो जाता है, लेकिन ऊपर जहाँ से वो बह के नीचे जा रहा होता है वो भी आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जंगल टूर वाले में मैंने बना रखी है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको आइडिया हो जाएगा जंगल टूर और जंगल टूर की वीडियो से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो इस हॉट स्प्रिंग वाटर, अब हॉट स्प्रिंग वाटर में मतलब आप वहाँ पे एक डेढ़ घंटा आराम से बिता सकते हो, और आपको बॉडी सेकने का या जो भी है, ठंडों में गए हुए तो ठंड वहाँ होती नहीं है, लेकिन जैसे भी जब भी गए हो, लेकिन मज़ा तो आने वाला है ये श्योर है। वहाँ और भी स्पा वगैरह है, वो लेना चाहो ले सकते हो, उसकी भी अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसमें हॉट स्प्रिंग वाटर में ही गया था और वहीं पे ही इंजॉय किया था। काफ़ी लोग आते हैं, बहुत होते हैं, लोकल भी बहुत आते हैं और फॉरनर टूरिस्ट वगैरह भी बहुत आते हैं, तो सही जगह, मस्त जगह, आप जा सकते हो। इसके बाद दूसरा आ जाता है एमरल्ड पूल, ठीक है। एमरल्ड पूल और होता है उसके अंदर, अब एमरल्ड पूल में क्या है, वो मेरे को सबसे बेस्ट और मस्त जगह लगी। पूल है ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर का पूल है, जो वो भी पानी कहीं पहाड़ों से ही आ रहा है बहता हुआ, आके उन्होंने एक खड्डा सा बना दिया है, तालाब टाइप का, जिसमें पानी आके इकट्ठा हो जाता है और लोग उसमें नहाते हैं, वहीं छोटे छोटे करके और छोटी छोटी जगहों के और तालाब बना दिए, जिसमें कभी एक ही जगह पर सारी भीड़ ना हो जाए, अलग अलग बच्चे हैं जो भी बड़े हैं जो भी जैसे नहाना चाह रहे हैं वैसे नहा सके। तो इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लू, प्योर ऐसा ब्लू पानी लगता है जिसमें ब्लू कलर डाल दिया है, ब्लू वैसे नहीं है, ब्लू कलर डाल दिया, और ऐसा कैसे है वो पानी, किस वजह से है ये तो अब पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब आपको वहाँ पर 2-3 घंटे आपके आराम से नहाने में निकल जाएंगे। अगर आप हॉट स्प्रिंग नहीं जाना चाह रहे तो आप यहाँ तो 100% ज़रूर जाओ, ठीक है। इसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलने वाला है, मज़ा आने वाला है, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो कितना मेरा, मतलब मैंने तो बहुत 1-1.5 घंटा कब नहाने में निकल गया था पता ही नहीं चला था, बहुत मज़ा आया था। हॉट स्प्रिंग से ज़्यादा मज़ा है यहाँ ब्लू वाटर पूल या फिर एमरल्ड पूल जो भी कह लो आप, इसमें मज़ा आया था। इसके बाद होता है टाइगर केव टेम्पल। ओए होए, टाइगर केव टेम्पल आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल टेम्पल है, नीचे टेम्पल बना रखा, देखोगे चलो कोई नहीं यार इसी के दर्शन कराने हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ऊपर की तरफ ऐसे करके देखोगे तो आपको दिखेंगी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही, और वो सीढ़ियाँ वहाँ लिखी होंगी 1236 सीढ़ियाँ, लेकिन जब आप काउंट करते हुए जाओगे तो 1266 या 67 सीढ़ियाँ हैं, जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ऊपर पहुँचोगे भाई साहब, पहुँचने में अगर आप फिटनेस फ्रीक हो या फिर आप फिटनेस आपने अच्छी कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी सी फिटनेस में प्रॉब्लम है तो जो पहाड़ों पर चढ़ने का मज़ा है ना, हाइकिंग वगैरह का या फिर जो भी कह लो आप माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह का जो भी मज़ा है, वो मज़ा आपको आने वाला, मतलब 1 घंटा आराम से आपका चढ़ने में निकल जाता है, 25-30 मिनट आपके उतरने में लग जाते हैं, 1266 सीढ़ियाँ ऐसे ही नहीं है, और सीढ़ियाँ में ऐसे पूरी प्रॉपर ऐसे खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ, ऐसे कर खड़ी खड़ी, ऐसे ऐसे नहीं है स्लोप, ऐसे स्लोप हो नहीं, ऐसे स्लोप है, टक 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 टक, मतलब खड़ा, और आप थक जाओगे, मतलब 100 सीढ़ियाँ चढ़ते आपको लगने लग जाएगा, फिर धीरे 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 और आप ऊपर पहुँचते जाते हो, फिर लगता है यार अब मैं नीचे जाके क्या करूँगा, अब तो मैं ऊपर जाके रहूँगा, मतलब जो वो अलग ही मज़ा है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, मैंने उसकी भी वीडियो पूरा जंगल टूर की वीडियो बना रखी है, वो आपको पता लग जाएगा, मज़ा आएगा उस वीडियो को भी देखने में, आपको पता लग जाएगा, मतलब आप ना चाहते हो भी कितना ऊपर जाते हो और कितना मज़ा आता है, तो वो वीडियो देख के आपको 100% मज़ा आने वाला। उसके बाद हम चले जाते हैं क्या कहते हैं नाइट मार्केट का, कराबी की नाइट मार्केट, वहाँ पे दो मार्केटें लगती हैं शायद कराबी की, पता नहीं जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ की 2 मार्केटें लगती हैं, लेकिन हम पता नहीं कौन सी मार्केट में गए थे, कराबी नाइट वो टूर वाले आपको लेके ही जाते हैं कराबी नाइट मार्केट में। तो अब कराबी को बिल्कुल लोकल तरीके से जानना है कि भैया वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कहाँ से सामान खरीदते हैं, क्या मतलब किस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, खाना जो भी है लोकल लोग क्या करना पसंद करते हैं, और लोकल थाई कल्चर कैसा है, वो आप कराबी नाइट मार्केट में जाके प्रॉपर जान पाओगे। वहाँ पर प्रॉपर लोकल लोग ही मिलेंगे, लोकल ही लोग वहाँ पर जो भी फूड वगैरह लग रहा हो खा रहे होंगे, जो हमारे जैसे लोग होते हैं फॉरनर्स होते हैं वो सिर्फ वहाँ घूमने जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, बाकी वो पूरी मार्केट वहाँ पर लोकलों की ही होती है, लोकल ही आते जाते रहते हैं, फॉरनर्स इतने नहीं आते हैं,
वो सिर्फ घूमने जाते हैं एक आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पूरे थाई कल्चर को आप जान सकते हो, अगर आप थाईलैंड में आपका रुकने का मन है जो भी कुछ है, तो ये सबसे बेस्ट जगह होती हैं। लोकल मार्केटें वगैरह, यहाँ से आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को अच्छी तरह जान सकते हो। ये जंगल टूर जो आपका ख़त्म होता है, फाइनली ख़त्म होता है कराबी नाइट मार्केट में, जहाँ पे आप लोकल लाइफ को, वहाँ की थाईलैंड की को जान लेते हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे टूर के बारे में। जो तीसरा टूर होता है वो होता है कयाक टूर। कयाक आप जानते हो, शायद आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। लंबी वाली नाव होती है, पतली सी लंबी वाली, जिसमें आपने बहुत सारे शायद डिस्कवरी वगैरह पर रेस वगैरह या फिर आप पानी में ये मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में देखी होगी, लंबी सी नाव होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें टूर होता है ये जंगल के बीच में से, जहाँ पानी भरा हुआ है काफ़ी पेड़ों वगैरह के बीच में से, आपको ऐसे टेढ़मेढ़ी लाइन से पे ले जाके एक जगह से पॉइंट से शुरू होता है, दूसरी जगह पर जाके पॉइंट पर ख़त्म होता है। 9 किलोमीटर तकरीबन का एक टूर होता है और इसमें आधा दिन तकरीबन जाता है। तो वो टूर ये करवाते हैं आपको। तो आपने इसकी वीडियो शायद यूट्यूब वगैरह पर बहुत कम देखी होंगी, बहुत कम इंडियंस जाते हैं, लोग भी मतलब जाते हैं, मतलब अगर वो दूसरे टूरों पर नहीं जा पा रहे तो शायद इस टूर पर जाते हैं, लेकिन लोग जाते हैं, लेकिन इंडियंस कम जाते हैं। और मैं भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं वही मैंने बताया ना कि ट्रिप कितने दिन की आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, ये उसी बात पर डिपेंड है। लेकिन अगर आप बीचेस वगैरह आपने देख रखे हैं, उससे परेशान हो या फिर मतलब नहीं करना चाह रहे, बीचेस वगैरह नहीं देखना चाह रहे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कयाक टूर करो, ठीक है। मतलब ये भी एक अलग, समझ रहे हो ना, एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है इस टूर से, और आपको मज़ा आता ही है। हर टूर में आप जहाँ जाते हो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, नई चीज़ें देखते हो, नई चीज़ों को जानते हो, तो आपको मज़ा आना ही है। आप मतलब चाहे बीचेस पे जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, मज़ा तो ज़रूर आएगा। जब आप नई जगह जाते हो ना, तो आपका मन और दिमाग ऐसा खुल जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि आपको मज़ा आता ही है। तो ये आप ये कयाक टूर कर सकते हो। तो ये चीज़ें, तीन टूर मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इन्हीं को अलग अलग कर दूँ तो कितनी सारी चीज़ें आती है, थिंग्स टू डू, लेकिन और लोग करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है जो भी कुछ है कि थिंग्स टू डू, ये अलग अलग बांट दिया, लेकिन मैंने इनको ग्रुप में बता दिया, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं इनको अलग करता हूँ। उसके बाद अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, तो आप मतलब जम्मर जी नाइट पार्टी के लिए जा सकते हो और नाइट लाइफ वहाँ की इंजॉय कर सकते हो, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो मैं पहले सोलो ट्रैवलर के हिसाब से बता दूँ, या सोलो ट्रैवलर मसाज लेने जाते हैं नहीं जाते हैं उन पर डिपेंड है, लेकिन जाना चाह रहे हो तो मसाज भी वहाँ होती है, ठीक है। पहले लेकिन मैं, ठीक है, तो आप शुरुआत करो मसाज से, थक गए हो मसाज लो, मस्त वाली मसाजें होती हैं, खुले मसाज, ज़रूरी नहीं है कि तरह की मसाज, हर तरह की मसाज होती है, फैमिली मसाज भी होती है। तो आप खुले में आराम से आके अपने रिलैक्स पैरों की मसाज कराओ, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, ठीक है। और फैमिली के साथ हो तो पूरी फैमिली का भी करा सकते हो, कपल्स हो तो करा सकते हो, हर तरह की मसाज होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्लीन चीज़ है ये, वहाँ पर हर एक कोई कराता है, और खुले में होती है, ओपन में, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मसाज करा सकते हो, मसाज हो गई। अगर आप फैमिली के साथ हो तो शायद आप नाइट लाइफ में वहाँ नहीं जाओगे, कपल्स हो तो आप जा सकते हो। तो आप कपल्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए है वहाँ की नाइट लाइफ में वहाँ के में दो जगह हैं, आरसी एंटरटेनमेंट और कराबी सेंटर पॉइंट, वहाँ पर ही सब पब्स वगैरह हैं, वहाँ पर ही बहुत सारे पब और बहुत सारी वाइन मैदान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर आपको। तो वहाँ जाओ, इन्जॉय करो, दोस्तों के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, अकेले हो तब भी वहाँ अंदर जाके इन्जॉय कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हो, प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, लेकिन अगर इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप हॉस्टल में रुको, हॉस्टल में आपको ग्रुप मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं जिनके साथ जाओ और इन्जॉय करो। मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो कराबी की नाइट लाइफ। पब क्रॉल पर हॉस्टल में जाते हैं तो पब क्रॉल में बहुत मज़ा आता है, थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े से मज़े के लिए थोड़े से पैसे तो खर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे अंधा मज़ा आता है। आप वीडियो में देखना, आपको सब समझ जाओगे। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कराबी की आप नाइट लाइफ वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, मसाज हो गया, नाइट लाइफ होगी। अब वहाँ का लोकल फूड, अगर आपने कराबी नाइट मार्केट में नहीं लिया है, तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड लगता है लोकल, जो कि मैं ये दिखा दूँ आपको मैप में, यहाँ पे लोकल फूड लगता है काफ़ी सारा, काफ़ी जगह पे लगता है, छोटी छोटी दुकान है, लेकिन यहाँ पे लाइन से लगता है। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे पैसे बचा सकते हो, बजट ट्रैवलर हो तो। क्यों? क्योंकि लोकल जो स्ट्रीट फूड होता है ना, बहुत ही सस्ता होता है, वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई सा भी हो, हर जगह थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन ये स्ट्रीट फूड जो बहुत सस्ता मिलता है और पेट आपका आराम से भर जाएगा। वेजिटेरियन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, नॉन वेज भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन थोड़े से कम ऑप्शन होते हैं, नॉन वेज ज़्यादा होते हैं।
तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आपको खाना मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। आप बोल देना आप वेजिटेरियन बना दें, मतलब अगर आप फ्राइड राइस वगैरह ले तो वेजिटेरियन बनवा सकते हो, वो आपके हिसाब से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फूड हो गया। चौथी चीज़ क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्या कहते हैं, जो भी वहाँ पर लोकल सामान है, कपड़े खरीदने हैं, स्लीपर्स खरीदने हैं, या फिर कुछ और कैब वगैरह या कुछ भी खरीदना है, वो आप खरीद सकते हो। ये मेन चार चीज़ें हैं वहाँ पर करने की। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए। अब मतलब कोई कहीं जाता है तो इतने दिन के लिए तो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि आप पूरे एक महीने या दो महीने के लिए जाओगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। महीने दो महीने या एक हफ्ते के लिए जाया जाए, तीन दिन चार दिन में पूरी जगह एक्सप्लोर हो जाती है। यही चीज़ें हैं, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसके ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप वहाँ पर महीना बिता दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप काम से जा रहे हो तो बिता सकते हो, लेकिन वैसे बिता दो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं इनको आप इन्जॉय करोगे और आपका टाइम मतलब आप इन्जॉय ही करोगे। इसके अलावा ये मेन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी ट्रिप पे डिपेंड है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसके अलावा फालतू की चीज़ों में न मत पड़ना, चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलना। मैंने एक चीज़ ऑप्शन बता दिया था हॉट स्प्रिंग वाटर वाला, कि आप नहीं करना चाहते तो उसको मत करो। इसके अलावा भी आप अगर कट कर सकते हो तो जो भी कट करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, वो आपके बजट पे ट्रिप पे डिपेंड है। लेकिन मैंने मेन चीज़ बता दी वहाँ पे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ घूमते हैं, ठीक है। अब खर्चा इसमें कितना आ जाएगा लगभग, आप ये सोच रहे होगे कि वहाँ पे करने में, इन चीज़ों को करने में कितना खर्चा आ जाता है। होटल तक की बात हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे, ठीक है। तो आपका जो बजट के अब ये ट्रिप के दौरान जो खर्चा आएगा मैं वो बता देता हूँ, वहाँ पहुँच के कितना आएगा। देखो ये जो भी तीन टूर होते हैं, फोर आइलैंड टूर जो भी होते हैं, 500 बाट से लेकर 800 बाट तक, 900 बाट तक के टूर होते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप स्पीड बोट से करा रहे हो, लॉन्ग टेल बोट से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, 900 हज़ार 1200 बाट तक जितने भी, मतलब वो डिपेंड है, प्राइस बढ़ता चला जाता है। तो आप सस्ते से सस्ता भी ले सकते हो, अच्छे से अच्छा भी ले सकते हो, और चाहो तो आप एक आइलैंड भी घूम सकते हो, फिफी आइलैंड घूम सकते हो, कोई भी इन चारों आइलैंड में से एक आइलैंड घूम सकते हो, तो उसमें भी पैसे बच जाते हैं। खाली रैले बीच भी घूम सकते हो, तो उसमें पैसे बच जाते हैं, 100 वाट में हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो वहाँ पे आप पैसे बचा 100 वाट। जंगल टूर भी ऐसे ही 500-600 वाट में होता है, तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। रीज़न ये है कि उसमें 22-23 तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है, उसके लिए हॉट स्प्रिंग वाटर पूल के लिए, फिर वहाँ से एमरल्ड पूल के लिए, फिर टाइगर केव टेम्पल, तो उसमें काफ़ी गाड़ी चलती है, तो उसमें देना बनता है भी 600-700 वाट, ठीक है, वो उसमें लग जाते हैं। वो भी इस पर डिपेंड है, आप थोड़ी बहुत इधर उधर जाके बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आप हॉस्टल के अंदर से कराओगे हमेशा महंगा होता है, होटल के अंदर से कराओगे हमेशा महंगा होता है, बाहर जाके किसी लोकल से कराओगे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, वो आप पर डिपेंड है, आप करा सकते हो। लेकिन जहाँ से भी कराओगे आपको लेने आपके होटल या हॉस्टल ही आएगा। तो यार मैं अगर बताऊँ तो 700, 700, 700, ठीक है, मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 700-2100 वाट, ठीक है। खाने पीने में दोनों टाइम के मैं सोलो ट्रैवलर का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सोलो ट्रैवलर का 4-5 दिन इन्जॉय करने गए। खाने पीने में दोनों टाइम के 500-500 वाट मान लो, ठीक है, 1000 वाट 1000 वाट 1000 वाट 3000 वाट, ठीक है, यानी कि 2100 और 5100 वाट। ये बहुत ज़्यादा मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही खर्च होंगे। और ये 1000 वाट मैंने पानी की बोतल वगैरह मिला के बताएं। अब इसके अलावा वहाँ शॉपिंग जो करोगे यार वो आप पे डिपेंड है, मैंने शॉपिंग नहीं की, मसाज कराओगे आप पे डिपेंड है, और खाने के लिए आप बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में भी खा सकते, मतलब बजट तो बढ़ने के लिए यार फिर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, जैसा वो डिपेंड है। लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा मैक्स मतलब एक उसमें क्या कहते हैं कि लोग ये करेंगे उस वे को लेके मैं एक मैक्सिमम बजट लेके चल रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप दारू वारू पीते हो उस पर डिपेंड है, मैं नहीं पीता, पार्टी में कितने खर्च होंगे आप पर डिपेंड है। तो मैंने तो ये मैं दारू का नहीं बता सकता यार, लेकिन आप पब क्रॉल लोगे तो शायद 500 वाट, वो मैंने पार्टी किया उसमें दिखा रहा है कितने होती है, तो उसमें दारू आपको मिलती है, आपको शायद अलग से लेने की जरूरत, पबों में जाके ले सकते हो, थोड़ी सी पबों में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, लेकिन फुल इन्जॉय होता है, वहाँ ले सकते हो, वो डिपेंड है। मैं मान लो मैंने 2000 वाट उसके भी ले लिए, तो ऐसे 12-13 हज़ार वाट में आपकी पूरी ट्रिप, ये मैक्सिमम है, उससे कम में हो जाएगी, मेरे को पता है ये 12000 में आपकी पूरी 12000 वाट में, 24000 वाट 30 से 32 हज़ार रुपये में आप होटल वोटल सब कुछ करके अच्छा पैसा खर्च करके रुक भी लोगे 3 दिन 4 दिन,
खुला खर्च कर लोगे, जाके इंडिया तक आ जाओगे। मेरे हिसाब से आप 30-35 हज़ार रुपये वहाँ घूम के आराम से आ सकते हो, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। बाकी आप पर डिपेंड है आप कितना करते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेल से कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा हमेशा, इसमें बोलता हूँ। और शायद आपको आइडिया होगा, हो गया होगा, इसके बाद आप अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर पाओगे, आपको कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ बचा सकते हो, क्या है। एक ओवरऑल मैंने आपको एक्सपीरियंस दे दिया मेरी वीडियो के थ्रू, मेरी बातों के थ्रू, मेरी हर चीज़ के थ्रू। मैंने ओवरऑल आपको यहीं से बैठे बैठे करा भी दिखा दिया है, जिसके आप अगर आप जाओगे तो आप अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे, बहुत अच्छे बजट में। ठीक है, आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।